देखने वाले सामीन को कश्मीर एवन न्यूज़ का सलाम। कश्मीर एवन न्यूज़ की टीम पहुंची है आज कॉन्स्टिट्यूंसी मावर में, जहां पर हमने देखा कि डेवलपमेंट कितनी हुई है जब से पंचायती राज स्टार्ट हुआ है। इस मुतल्लिक हम बात करेंगे बीडीसी चेयरमैन मिस्टर ताहिर अहमद मीर से। तो ताहिर साहब, आपका चैनल में खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सबसे पहले मैं कश्मीर एवन का बहुत ही मशहूर हूँ, जिन्होंने इस दूर दराज इलाके में तशरीफ लाया है और आज पूरे इस मेरे ब्लॉक में उन्होंने खुद मुआयना किया है कितने काम हुए हैं, वो खुद आपने देख लिए हैं। आज इस कड़कती धूप में आपका मैं शुक्रगुजार हूँ। तो ये हमारी टीम का काम है कि हम लोगों के मसाइल को उजागर करते हैं और इनका समाधान भी चाहते हैं। तो पूरी टीम आज पूरी मेहनत के साथ आपके इलाके में आई, हमने हर एक डेवलपमेंटल काम का जायज़ा लिया। तो ताहिर साहब, आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा कि लोगों को बहुत सारी उम्मीदें आपसे वाबस्ता है, तो आप लोगों की उम्मीदों पर कहां तक उतरे हैं, आप अपनी ज़ुबानी बताइए। बिल्कुल, आपका कहना बजा है। लोगों को हमारे साथ बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता है, क्योंकि लोग अपने नुमाइंदे को इसीलिए चुनते हैं और बनाते भी हैं कि उनके जो भी मसले मसाइल हैं वो हल हो जाएँ। मगर जो हम यहाँ पे इस चेयर पे बैठे हैं, चाहे सरपंच होता है, चाहे डीडीसी होता है, चाहे बीडीसी होता है, वो लोगों के नुमाइंदे होते हैं। मगर मैं कहता हूँ कि हम नुमाइंदे होते हैं मगर एक ब्रिज का काम करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और लोगों के साथ। हम एक ब्रिज हैं, हम लोगों के मसले मसाइल एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाते हैं। मसला हल करना होता है पूरी सरकार को, चाहे लोकतांत्रिक सरकार हो, चाहे प्रेसिडेंशियल रूल हो, गवर्नर रूल हो, उसमें मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को फिर मसले हल करने होते हैं। हमें एडमिनिस्ट्रेशन को आगाह करना होता है लोगों के मसले और फिर वो उन तक होता है। रहा सवाल मैं कहाँ तक उन मसले पे कहाँ तक मैं उतर, हाँ बिल्कुल, सबसे मेरी प्रायोरिटी यहाँ पे ये है कि लोगों तक सड़क पहुँचनी चाहे, बिजली पहुँचनी चाहे, पीने का पानी पहुँचना चाहे, एजुकेशन, मतलब सबसे अहम डेवलपमेंट अगर हम सोचेंगे तो एजुकेशन। मगर वो तो हम 3 साल से बिल्कुल जो हमारा एजुकेशन का सिस्टम है वो काफ़ी बिल्कुल ठप हुआ है। तो 1 साल तो आर्टिकल के मतलब जो एबरोगेशन हुआ था उसमें लगा था 1 साल, तो बाकी 2 साल कोविड की नज़र हो गए। तो हमारा सिस्टम जो है एजुकेशन की तरफ अभी हमने कुछ नहीं किया है। हम चाहते हैं कि एजुकेशन के सेक्टर में हम ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करें, क्योंकि जो आने वाला कल होता है वो बच्चे ही होते हैं। अगर हम उनमें उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हम बिल्ड करेंगे, उनके लिए सब बिल्डिंगें दे देंगे, उनके लिए खेलने के लिए खेल कूद सामान दे देंगे, लाइब्रेरी दे देंगे, जो भी उनके ज़रूरियात होंगे, लैपटॉप कंप्यूटर लैब दे देंगे, तो वहाँ हमारे मतलब आने वाला कल जो हमारा है वो अच्छा फिर मतलब जो आगे वो हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कामयाबी हासिल करें। उसके बाद हमारा सड़क हो, जहाँ आपने आज खुद भी देखा, आप बहुत से पंचायतों में गए हैं, हमारा मेन फोकस ये है जिस जिस गांव में, जिस जिस इलाके में, जिस जिस एरिया में, जिस जिस महल्ले में सड़क नहीं है, हम चाहते हैं कि वहां तक सड़क पहुंचनी चाहिए। मेन फोकस हमारा ये है, चाहे नरेगा में बनाए, चाहे फोटी देपसी में हो, चाहे सीडी पंचायत में हो, मतलब हम यही चाहते हैं कि लोगों की रसाई अपने घर से मेन रोड तक हो। हम ये नहीं चाहते कि कहीं किसी मतलब दुश्वारी का सामना लोगों को करना पड़े। ताहिर साहब, आपने अभी बात की एब्रिगेशन की, वहाँ तक उसके बाद हुकूमती दावे थे कि डेवलपमेंट होगी, तो कितनी डेवलपमेंट हुई है? इस बारे में यही कहूँगा कि मुझे लगता है कि 370 या हम यूटी बनने के बाद मुझे नहीं लगता है कि हमारे पास मतलब अलग तरीके से कोई फंड्स आए हैं। देखो, मैं कहूँ आपसे, आपके चैनल के वसात से मैं पूरी मतलब कंट्री को ये बावर करना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, एलजी इंतज़ामिया को भी कहना चाहता हूँ, अपने जो मुल्क के वज़ीर आज़म उसको भी ये कहना चाहता हूँ, 370 से पहले भी हम नरेगा काम करते थे तो आज भी करते हैं, 370 या स्टेट में हम 14th FC का काम करते हैं तो आज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि 2 साल से हमारे पास 14th FC का पैसा नहीं आता है। क्यों नहीं आता, बोलते हैं कि यूटी में 14th Finance Commission नहीं जाता है। तो उससे पहले हम सीडी पंचायत का काम करते हैं तो वो उससे पहले भी आज भी आते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट प्लान कैपेक्स बजट होता था वो आज भी है, तो उस वक्त भी है। तो जब से मैंने यहाँ चेयर संभाली है 2019 के बाद, तो मुझे नहीं लगता है कि अलग तरीके से कोई फंड आया है जो यूटी के लिए होता है, जो मतलब हम 370 उस डेवलपमेंट का रिकॉर्ड बना था कश्मीर में, मुझे नहीं लगता है। ताहिर साहब, जब मैं यहाँ आ रहा था मैंने देखा बहुत सारे डेवलपमेंट काम हुए हैं, तो क्या आप इनकी तफसील मुझे दे सकते हो कि आपने कौन कौन सा काम किया है? सर देखो,
सबसे पहले यहाँ पे एक जो हमारे लेजिस्लेचर रह चुके हैं इंजीनियर रशीद साहब, उसने यहाँ हमारी एक हायर सेकेंडरी है वो दो मतलब जगह पे मुश्तमिल है, एक रोड के इस तरफ एक ब्लॉक है, वो रोड के इस तरफ वो हाईवे है, वो छोटीपुरा से वो बंगस तक वो रोड जाता है, काफ़ी रश रहता है, गाड़ियों का आमद रफ्त रहता है उस पर। तो जब बच्चे एक ब्लॉक में मॉर्निंग असम्बली करते थे तो दूसरे ब्लॉक में जाने के लिए बहुत सी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता था, ट्रैफिक में भी ट्रैफिक में भी खलल होता था। तो इंजीनियर साहब ने एक इनिशिएटिव लिया था उस टाइम कि उन्होंने एक फ्लाईओवर ब्रिज बनाया था कि ऊपर से ही बच्चे चलें और ट्रैफिक में भी खलल ना पड़े, बच्चे भी कभी मतलब परेशानियों का सामना ना करें, हमें कोई नुकसान ना उठाना पड़े। तो उन्होंने एक ब्रिज तामीर करने को कहा था, वो कम से कम वो मुझे लगता था 70% कम्प्लीट हुआ था। तो उसके बाद उसमें फंडस का इशू आया था तो मैंने पहले तरजीह दी उसी को, क्योंकि मैंने सोच यही बोला कि एक तो वो पूरे आवाम का है, सब मतलब यहाँ पूरे हायर सेकेंडरी है पूरे इलाके की, बच्चे पूरे इलाके के जाते हैं, तो मैंने सोचा पहले इसी को हम कंप्लीट करेंगे। मैंने अपने काउंसिल के हिसाब से उसको जितने भी पैसे ज़रूरत थे हमने दे दिए हैं और इंशाल्लाह आपने वहाँ देखा भी होगा वो पूरा कंप्लीट है और हम बस डीसी साहब का बस इंतज़ार कर रहे हैं कि वो उसका उसकी इनाग्रेशन करेंगे तो वो बच्चों के लिए हम सर्व कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा एक अच्छा सा ग्राउंड बनाया था, मतलब श्रीनगर से उसमें टीमें खेलने के लिए आती है, बहुत अच्छा ग्राउंड है, उसमें हमने बंगस सपोर्ट स्टेडियम के नाम से वो जाना जाता है, गांधरबल से आती थी श्रीनगर, मतलब दूर दराज इलाके से आती हैं एक आपने हाँ बिल्कुल वैली से, पूरी वैली से टीमें, और वो आज जेके स्पोर्ट्स काउंसिल में भी उसमें पैसा आया है पिछले मतलब एक दो महीने पहले ही, अब उसमें भी काम स्टार्ट हो रहा है, स्ट्रीट लाइट्स लगाएंगे हम टर्फ के लिए, हमने सरकार को कहा है, अच्छा ग्राउंड है वो भी, एक हमारे एक यहाँ पे है मावर में डेवलपमेंट है, और बाकी जितने भी गाँव में हमारे बंड होते हैं ड्रेन होते हैं, हमारा तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर गाँव का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना, हमारा फेंसिंग होती है या रोड कनेक्टिविटी होती है या क्रॉसिंग बनानी पड़ती है, ब्रिज बनाने पड़ते हैं, जितने भी कोर इशू लोगों के हैं हम उनमें ज़्यादा फोकस करते हैं कि लोग मुश्किलात जो जितने भी मुश्किलात हैं वो उनमें कमी आ जाए, हर एक साथ नहीं मैं कह सकता हूँ, अलबत्त इंशाल्लाह कमी आने की हम कोशिश कर रहे हैं। ताहिर साहब, जब हमारी टीम यहाँ आ रही थी तो हमें बहुत सारे फ़ोन कॉल्स मौसूल हुए, एक जगह का नाम मैं लेना चाहता हूँ जहाँ पर सैंड माफिया चलता है, उम्मीद है आपको मेरा इशारा समझ में आया होगा कि सैंड माफिया मरड़ गाँव में चलता है, तो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन सोई है या आपने एडमिनिस्ट्रेशन को इसमें इन्फॉर्म किया था? देखो उस बारे में मैं इतना ही कहूँगा आपको कि मेरे ऑफिस में भी उन्होंने अप्रोच किया है, मैंने वो फिर डीसी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में भी मैंने वो भेजी है, मैं खुद गया डी साहब से मिला भी, तो उसने माइनिंग वालों के लिए वो फिर अलग से एक चिट्ठी निकाली डी साहब ने, उसमें पूरी रोक लगनी चाहिए क्योंकि लोकल लोग वहाँ पे परेशान हैं, रात भर गाड़ियाँ चलती है, दिन भर गाड़ियाँ चलती है, मतलब इतना माहौल गंदा हो गया है, लोगों का जीना वहाँ पे हराम हो गया है, मैं भी चाहता हूँ कि वो माफिया जो सैंड माफिया है वो बंद होना चाहिए, मगर मैं यही कह रहा हूँ कि मैं एक ब्रिज हूँ लोगों और एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान, लोगों ने मुझे कहा है, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को आगाह किया है, बाकी मुझे नहीं समझ आ रहा है कि क्या मसला है, दाल में कुछ काला या पूरी दाल काली है, ये मुझे भी समझ नहीं आता है कि रोक उसमें क्यों नहीं लग रही है, हर दिन हर रोज़ हर रात 100 सैकड़ों गाड़ियाँ वहाँ से निकलती है, लोग बहुत परेशान हैं। सर साहब, जहाँ तक लोग आपके शुक्रगुजार बहुत है, आपके एडमिनिस्ट्रेशन के शुक्रगुजार बहुत है, वहाँ पर मैंने देखा कि शानू का ब्रिज जो है वो आप खुद भी जानते हो डैमेज हो गया है, बहुत सारी मुश्किलात का सामना है, लोगों का इल्ज़ाम है कि अभी एडमिनिस्ट्रेशन सोई है, काम चालू नहीं हुआ है, वजह क्या है? उसमें जब वो मार्च में वो फ्लड आया था तो डैमेज हुआ था, तो उस वक्त डीसी साहब ने मतलब इमीडिएट मौका किया था, डीसी साहब ने उस वक्त बोला था जितना मुमकिन हो सके, वह उसने बोला कि हम मतलब कुछ दिनों में इसमें मतलब क्या ये मुकम्मल करेंगे, मगर डीसी साहब मतलब टेक्निकल इशू वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जानते हैं या जेईई जानते हैं, तो उन्होंने फिर डीसी साहब को बताया कि ये दिनों का काम नहीं है, ये महीनों का काम है। तो उस बारे में परसों हमारे बशीर खान साहब एडवाइज़र आए थे हंदवारा, हमने उस वक्त भी उसे ये इशू उठाया था क्योंकि हमारा ये बर्निंग इशू है, कोर इशू है, क्योंकि ये एक एरिया को नहीं मतलब बड़ा एक एरिया है, कम से कम 30-40 हाँ निसम खान हाँ मिलाता है, गाज़ियाबाद को मिलाता है, मावर को मिलाता है, क्योंकि ये बड़गुंड का ब्रिज हमारे लिए एक शहर का काम करता है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आज मतलब जहाँ पे हमें एक मिनट का मतलब फासला तय करना वहाँ हमें 1.5 घंटा लगता है, आज आप
खुद ही सोचो कितना एमरजेंस हमारे लिए वो ब्रिज है। तो हमने उस वक्त इस एडवाइज़र साहब को बोला था जितना मुमकिन हो सके, तो उसने डायरेक्शन दी थी उस वक्त भी एग्जन साहब को, और डीसी साहब ने पहले ही उस बारे में एग्जन साहब को या चीफ साहब को भी लिखा है, और वहाँ से टीमें भी आई थी, तो सॉइल टेस्ट के लिए उन्होंने वहाँ से रिपोर्ट भी ले ली थी। तो कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है कि सरकार उसमें बहुत जल्द काम स्टार्ट करेगी। थैंक यू ताहिर, शुक्रिया। ये थे VDC चेयरमैन मिस्टर ताहिर हुसैन मीर, कैमरामैन वानी आदिल के साथ मैं सागर गुलजार, कश्मीर A1 न्यूज़।